गाइस कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ आप चंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो मैं आज हूँ यहाँ पर त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे, जो कि शॉर्ट फॉर्म में TIT कहता है, ठीक है। ये नरसिंहगढ़ पे पड़ता है, जो कि अगरतला से 12 किलोमीटर दूर है और अगरतला एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज है ये, तो इसके बारे में कुछ बताऊँगा और इसका सारे व्यू दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। So this is main gate. यह है मेन फ्रंट, ठीक है। तो ये अभी चालू नहीं हुआ, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो वहाँ पर एक गेट है, ठीक है। और वहाँ पर मेरे पीछे मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पर एक गेट है, ठीक है। वो जो दिख रहा है वहाँ पर एक गेट है, जहाँ से हम अंदर आएंगे। तो ऐसा दिखता है नज़ारा, देख लीजिए। और ये है फ्रंट का सामने वाला, तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखता है व्यू, तो ऐसा दिखा देता हूँ मेरे पीछे। ये नया नया बना है, गार्डन की तरह है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये जो है ये मैकेनिकल का ब्लॉक है। और वो जो दिख रहा है एक बिल्डिंग, वो एक बीएड कॉलेज है, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय विद्यावन। मैं इसके बारे में पहले ही दूसरा भी ने बता दिया है, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन के उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से है ऊपर आने की रास्ता, यहाँ से जा कर के यहाँ से नीचे, ये ऊपर का रास्ता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर और नया एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। सो क्या बिल्डिंग है पता नहीं अभी तक। वो जो दिक्कत कर मिडिल में ऊपर गोल वाला, वो बेसिकली एक लाइब्रेरी है, जो अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन सामने हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। कुछ तरह ऐसा दिखता है नजारा, जो ऊपर से दिखता है। ये पानी का, तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाके दिखाऊंगा नीचे का व्यू, ठीक है। तो इस तरह दिखता है जो रास्ता है, तो यहाँ पर व्यू कुछ इस तरह है, देख लो। मेरे हाथ में बैग है, तो बैग लेकर चल रहा हूँ। वो बीएड कॉलेज है जो मैंने पहले ही बताया। तो ये वो जगह जो मैं पहले दिखाया, ठीक है। मेरे पीछे देख सकते हैं ऐसा, ये वो रहा मैकेनिकल का ब्लॉक, ठीक है। और इस तरह देखा जाता है वो जो दिखाया लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरह दिखता है।
अभी नीचे बैठा हूँ, जो मैंने दिखाया था वो है मैकेनिकल क्लब ब्लॉक, ठीक है। और मैं जो गार्डन है वहाँ पर बैठा हूँ, इस तरह दिखता है। यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि बहुत धूप है, तो यहाँ पर थोड़ा ठंडी ठंडी हवा है, इसीलिए बैठा हूँ। वो जो दिखाया वो है लाइब्रेरी, ठीक है। तो फ्रेंड मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शायद उल्टा दिख रहा है, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ब्लॉक। तो ये अभी तक चालू नहीं हुआ, तो सामने जब पूरा उद्घाटन हो जाएगा तो ये भी चालू हो जाएगा। तो ये क्या है मुझे अभी तक ठीक से मालूम नहीं है, तो देखते हैं जब चालू होगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा दिखता है मेरे पीछे, ये सभी बिल्डिंग अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, तो ऐसा ही दिखता है। तो मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, वो ये है कि क्या दिखा देता हूँ। वो चीज़ ये है कि ये जो ऊपर का लाइट देख रहा है, ये सोलर का लाइट है। तो ये एक अच्छी बात है कि विद्युत का बचत हो रहा है, तो ये अच्छी एक पदक्षेप है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये होना चाहिए सभी कॉलेज में, स्कूल में और सभी ऑफिस में, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या इम्प्रूव करना है। और अगर आप चैनल पे नया हो तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।